अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसी से इतना धुआं क्यों आ रहा है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है और ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? कोई है? ड्राइवर भैया दरवाजा खोलिए। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, क्योंकि अब तुम्हारी आवाज इन बंद खिड़की और दरवाजों से बाहर नहीं जा सकती। रोशी मिस्टर नाहर, आप मुझे सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ मिस्टर मल्होत्रा, मैं सुन रहा हूँ। ये मीटिंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, पर रूही तो मार्केट चली गई होगी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अब मजा आएगा बहुत। नहार जी करती रहती हो ना, अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाने आता है। मैं इतनी सारी सब्जियां कैसे बनाऊंगा? मुझे तो चाय उबालनी तक नहीं आती। ऐसा लग रहा है ससुराल में पहली रसोई है मेरी। बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना? ना जब क्यों खाम खा इतनी टेंशन लेते हो? बाहर से तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया है, लेकिन यहाँ ना आपको कुछ झूठ मूठ की एक्टिंग करनी होगी शेफ वाली, ठीक है ना? ताकि इन लोगों को सरा से भी शक ना हो कि आप बावर्ची नहीं हो। लेकिन दादी इस पैन से होगा क्या? मतलब मैं बावर्ची बन के जूही को खुश कैसे रखूंगी? अरे दामाद जी, एक पते की बात बताऊं आपको, हमारी जो जूही है ना उसमें थोड़े मर्दों वाले गुण है। मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं, लेकिन आप जैसे मर्दों की तरह ही उसके दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर गुजरता है जैसे मर्दों का गुजरता है। एक नंबर की चटोरी है हमारी जूही, इसलिए आप उसे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर पटा सकते हैं। इंप्रेस हो जाएगी वो। शुरू करें? शुरू करते हैं। ओके। ये लीजिए। थैंक यू। अब चॉपिंग बोर्ड। नहार? नार? अरे क्या हुआ? नार क्या हुआ? दादी चलो जल्दी से। अरे क्या हुआ? जल्दी आओ। नार बेटा ये कार में से धुआं कहां से आ रहा है? पता नहीं पापा। लेकिन पापा लग रहा है अंदर कोई है। अरे ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा? कमल गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी तो गाड़ी के अंदर ही है। क्या गाड़ी की चाबी कार के अंदर है? अरे लेकिन ये डोर तो बाहर से लॉक है।
और अगर चाबी अंदर है तो किसी ने डोर खोला क्यों नहीं? रोहित, तो रूही का काम तमाम हो जाना चाहिए। रूही, 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 रूही आंखें खोलो, रूही, रूही आंखें खोलो, रूही, रूही, रूही। पानी पानी लेके आओ प्लीज, पानी। रोही रोही आके बोलो प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं रोही बेटा, अग्नि कहीं तुम्हारा किया धरा का नहीं? चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम एक बला तो टल गई। देखिए ना, रूही आके नहीं खोल रही है। रूही 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 प्लीज आके खोलो प्लीज, रूही आके खोलो प्लीज। रूही देखो, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम, तुम आके खोलो प्लीज। रूही प्लीज, रूही रूही प्लीज आके खोलो। रोही रोही थोड़ा पानी पी लो आराम से। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। हाँ जी, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। रोही, पर भाभी अगर आप कार में फंस गई थी तो आप लॉक खोल के बाहर क्यों नहीं आई? सही बात है, या फिर आप हॉर्न बजा देते, कोई ना कोई आवाज सुन के आपकी मदद के लिए आ जाता। रोमिल जी, जो मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन पता नहीं क्या हो गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हो सकता है कि इंजन में खराबी के कारण अब कार ने काम करना बंद कर दिया हो। ड्राइवर का अचानक जाना, कार का काम करना बंद होना और उसमें धुआं भरना, सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो ना हो, इसमें अग्नि की ही साजिश है। हर्षी, हर्षी प्लीज आप मुझे कमरे में ले चलिए ना, मेरा सर बहुत घूम रहा है, मुझे आराम करना है। हाँ। रोही, रोही।
दामाद जी, दामाद जी, चाकू उल्टा है। सॉरी। इस पे रखिए, इस पे आसानी से होगा। दामाद जी, क्या कर रहे हैं ये? से उंगली कट जाएगी आपकी। सॉरी। तेज धार है, इसमें लग जाएगी। आराम से काटिए, आपको एक्टिंग करनी है बस, खाना बनाना नहीं है। क्या हुआ दादी? एक काम कीजिए, ये सब्जी लाइए, मुझे दीजिए। नारजी, क्या वजह है? बोलिए, किसकी वजह से ये हादसा हुआ है, क्या बताना चाहते हैं आप? हाँ, और किसकी वजह से? मेरी वजह से, मैं ही जिम्मेदार हूँ। रोहित को अभी अग्नि के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अब से मुझे और भी सतर्क रहना होगा। मुझे तुम्हें अकेले मार्केट जाने नहीं देना चाहिए था, ना तुम बाहर जाती, ना ये हादसा होता। सब सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बाहर जाने नहीं देना चाहिए था एक्चुअली। नार जी, आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? और आपने तो मेरी आज जान बचाई है, खाटू जी की कृपा से सब ठीक है, सब सही है। आज मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। और हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम सॉरी। एक्चुअली मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी रोही, और जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई थी। और मैंने ये सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इस बच्चे का क्या होता। अग्नि, तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं रोही के साथ हूँ, हमारा प्यार साथ है, रोही को कुछ नहीं होगा। और रूही मेरी ताकत है, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। देखो तो सही, बाबरची आखिर बना क्या रहा है? सुनो। जी बीबी जी। खीर बना लेते हो? जी बीबी जी। बीबी जी, बीबी जी क्या है? मेम साहब बोलो, बोला था ना तुम्हें? जी बीबी जी। चलो सबसे पहले खीर बनाओ। और सुनो, इलायची कम डालना, और किशमिश तो बिल्कुल भी मत डालना, और थोड़े से काजू बादाम डाल देना। चलो बनाओ। देखो जरा इन्हें, खुद की पहली रसोई में तो खीर जला बैठी थी, और मुझे शेफ की तरह हिदायत दे रही है। अरे बीपी जी, चिंता ना करो, मारे हाथ की खीर खाओगे ना तो मारे से प्यार हो जाएगा थारे को। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, खीर। आप चलो अभी ले क्या आता हूँ। बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेता हूँ। दादी, आप यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? क्या ग्लास? ग्लास ढूंढ रही थी, ग्लास ये। वो भी पालती मारकर। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हड्डियों में जान ही नहीं है, बाबरची को आप बोल देती ये उठा देता ना, आप क्यों उठा रही? उठिए। टिया बूढ़ी हो गई है, लेकिन अपने बच्चों के लिए इतना तो कर सकती हूँ ना मैं। पानी चाहिए ना तुझे? हाँ तो तुम जाओ, तुम लोग, मैं भी पानी लेकर। हाँ
सास को तेरे झूठे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया, सिर्फ तुझे छोड़कर ये इस बावर्ची के पीछे क्यों पड़ी है? जरूर कोई चक्कर है। चक्कर तो जो भी हो, नजर अपनी पड़ेगी हमें। अरे जूही बेटा, आज रूही की बहुत याद आ रही है। दादू, हम रूही को यहाँ बुला लेते हैं मिलने के लिए। हाँ ये सही है। अरे क्या सही है ये? रूही को बुला लेते हैं। रूही के पास कोई काम धाम नहीं है क्या अपने घर में? अरे 50 काम है, वो करेगी, आ जाएगी। अरे वाह, रूही कितनी लंबी उम्र है, उसका वीडियो कॉल भी आ गया। अरे वाह, अरे बैठी ना, अरे तुम बात कर रहे हैं। रूही क्या हुआ है, तुम अभी तक बिस्तर पर है, बीमार भी लग रही है, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, तो थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। अच्छा अच्छा, सुन ना, हम सबको तेरी बहुत याद आ रही है, यहाँ जाना मिलने। रूही वैसे राखी आने वाली है, तो राखी से एक बार पहले आके हम सबसे मिल ले, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। रूही बेटा, अरे बेटा राखी में तो आओगी ना, तो मिल लेना सबसे, है हम लोग सब याद कर रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? परेशान मत कर बहन। हाँ जूही, दादी सही तो बोल रही हैं। मैं बाद में आती हूँ। अरे यार, हमें तेरी याद आज आ रही है और तू 4 दिन बाद आई, ये क्या बात होती है? आ जाओ ना। हाँ। और सुन, हमारे नए बाबरची से भी मिल लेना। खम्मागणी मैम साहब। अरे इसका खाना टेस्ट करने के लिए आ जा, आ जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं नाहजी से पूछ के बताती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जूही, मैं तुझसे कल मिलती हूँ। डन, बाय। ये लो जूस पियो। थैंक यू। कल जब रूही यहाँ से जाएगी तो मुझे कुछ ऐसा प्लान करना होगा कि रूही इस घर में कभी वापस कदम ना रख पाए। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।